वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, UNISOC चिप की नाजुक कमजोरी लाखों एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को मुतासिर करती है। एक्सप्रेस VPN ने हुकूमती हुक्म की तामील करने से इनकार करने के बाद हिंदुस्तान में सर्वर्स को हटा दिया। क्लिप माइनर मालवेयर अदाकार क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग का इस्तेमाल करते हुए $1.7 मिलियन चोरी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पोलोनीम हैकर्स को हमलों में वन ड्राइव इस्तेमाल करने से रोकता है। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज, खबरें तफसील के साथ। UNISOC चिप की नाजुक कमजोरी लाखों एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को मुतासिर करती है। UNISOC के स्मार्टफोन चिपसेट में एक अहम हिफाजती खामी का पर्दा फाश किया गया है, जिसे मुमकिन तौर पर एक खराब पैकेट के जरिए स्मार्टफोन के रेडियो मौसूलात में खलल डालने के लिए हथियार बनाया जा सकता है। इसराइली साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट ने दी हैकर्स न्यूज के साथ शेयर की गई एक रिपोर्ट में कहा है कि एक हैकर या फौजी यूनिट किसी मखसूस मुकाम पर मौसूलात को बेअसर करने के लिए इस तरह के खतरे का फायदा उठा सकता है। खतरा मॉडर्न फर्मवेयर में है, खुद एंड्रॉइड OS में नहीं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक शंघाई में वाकया एक सेमी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मीडिया टेक UNISOC कॉलकॉम और एप्पल के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, जो Q3 2021 में तमाम SOC शिपमेंट्स का 10% हिस्सा रखती है। एक्सप्रेस VPN ने हुकूमती हुक्म की तामील करने से इनकार करने के बाद हिंदुस्तान में सर्विस को हटा दिया। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN फ्राहम कनंदा एक्सप्रेस VPN ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो हिंदुस्तानी कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इनके जरिए जारी करदा साइबर सिक्योरिटी की नई हदायत के जवाब में हिंदुस्तान में मुकीम VPN सर्वर्स को हटा रहा है। एक बयान में कंपनी ने कहा है कि इसके सार्फिन अब भी VPN सर्वर से राब्ता कायम करने के काबिल होंगे, जो इन्हें हिंदुस्तानी IP एड्रेसेस देंगे और इन्हें इंटरनेट तक रसाई की इजाज़त देंगे। गोया वो हिंदुस्तान में हैं, इसके बजाय वर्चुअल इंडिया सर्वर जिस्मानी तौर पर सिंगापुर और UK में वाकया होंगे। ये पेशरफ्त डाटा बरकरार रखने के मुतनाज़ा तकाजों के जवाब में सामने आई है, जो भारत में 27 जून 2022 से लागू होने वाली है, जो VPN सर्विस प्राहम करने वालों को सब्सक्राइबर्स के असल नाम राब्ते की तफसीलात और IP पते को कम से कम 5 के लिए जखीरा करने का हुक्म देता है। क्लिप माइनर मालवेयर अदाकार क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग का इस्तेमाल करते हुए $1.7 मिलियन चोरी करते हैं। क्लिप माइनर के नाम से जाने जाने वाला मालवेयर अब तक क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और चोरी में साइबर हमला आवारों को $1.7 बिलियन कमा चुका है और इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। सिमेंटी की थर्ड हंटर टीम ने यह तय किया है कि क्लिप माइनर मुमकिन तौर पर टूटे हुए या पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ट्रोजनाइज्ड डाउनलोड्स के जरिए फैलता है। मालवेयर हैकर के कंट्रोल में नए पतों के साथ क्लिपबोर्ड में कॉपी करता क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेसेस को तब्दील करके मुतासर कंप्यूटर पर की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को रीडायरेक्ट कर सकता है। क्लिप माइनर हेरा फेरी को छुपाने के लिए टारगेटेड असल एड्रेस के सबका से मुवासल पते इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट पोलोनीम हैकर्स को हमलों में वन ड्राइव इस्तेमाल करने से रोकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इसने लेबनान में मुकीम एक हैकिंग ग्रुप को ब्लॉक कर दिया है, जो कि पोलोनीम को वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म को डाटा के इखराज और कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करने से रोकता है, जबकि इसराइली तंजीमों को निशाना बनाने और समझौता कर रहा है। कंपनी ने पोलोनीम के हमलों में इस्तेमाल होने वाली 20 से ज्यादा बदनीयती पर मबनी वन ड्राइव एप्लीकेशन को भी मुअत्तल कर दिया, जिससे निशाना बनने वाली तंजीमों को मुतला किया गया और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट्स के जरिए खतरे के अदाकारों के टूल्स को क्वारंटीन किया। अगरचे फरवरी 2022 से हमलों में बुनियादी तौर पर इसराइल को मैन्युफैक्चरिंग IT और दफाई सनत के शोबों को निशाना बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के तज़िये के मुताबिक पोलोनीम ऑपरेटर ने मुमकिन तौर पर ईरान से मुंसलिक अत्यधिक धमकी अमेज अदाकारों के साथ अपनी हैकिंग की कोशिशों को मरबूत किया है। मज़ीद मालूमात दापरा ज़मोंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या ज़मोंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना।